हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हमारे पास रोज की तरह आई हुई है एम आई अपडेट, जिसका फुल इंजन का काम है। जैसा कि देख सकते हैं, इसका जो इंजन है ये जाम हो चुका है, जैसा कि स्टार्ट होने की हालत में नहीं है। तो इसका जो इंजन है उसको खोलेंगे और इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा जानकारी दिया जाएगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इसलिए मत कीजिएगा। तो गाइस, चलिए फटाफट खोल लेते हैं इंजन, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस, देख सकते हैं जैसे कि ये जो इंजन है इसको बाइक से निकाल लिया है, जैसे कि ये बाहर ओपन हो चुका है। अब इसका जो है एक एक पार्ट खोल के ओपन करेंगे। तो जैसे कि इसको जब हम खोल रहे थे तो इसमें बहुत सारा मिस्टेक दिखा हमको। तो जैसे कि कभी जैसे कि गाड़ी सर्विस होती नहीं है जैसे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये जो है फिल्टर होता है वो भी एकदम क्लीन नहीं था, जैसे कि पूरा गर्दा से भटा हुआ था। और इसका जो टोटल बाटी ये देख सकते हैं, जैसे कि नज़दीक आ जाइए थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि लग रहा है इसमें कितना दिनों से जो है साफ नहीं हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है। तो जो मिट्टी रहता है ये डायरेक्ट हमारे पिस्टन पे जाके वाल पे बैठता है, तो वो जो हमारा वाल रहता है कटने लगता है। उसके वजह से जो वाल कट जाता है तो कंप्रेसर छोड़ता है, वाल गाड़ी खराब होती है। उसके बाद जो होता है हमारा पिस्टन जो रहता है वो खराब हो जाता है, जैसे कि गाड़ी धुआं मारने लगती है, जैसे कि पीछे से स्मोक करने लगती है, जैसे देखते हैं वाइट वाइट धुआं फटता है तो ऐसा करने लगता है। तो देख सकते हैं इसके अंदर कितना मिट्टी भरा हुआ है, जैसे कि जैसे लग रहा है कभी साफ नहीं हुआ है, क्लीन नहीं हुआ है। तो ऐसा ना रखें, और दोनों साइड देख सकते हैं। तो इसको जब हम खोलें तो देखें पूरा मिट्टी मिट्टी है, तो बोले देख सकते हैं ऐसे करके फिंगर से अपने कितना मिट्टी निकल रहा है। फिर इसका जो इसको टोटल बाटी बोलते हैं, जैसे कि इसमें जब भी कचरा बैठ जाएगा तो इसको क्लीन करना बहुत साफ होता है। जब भी फिल्टर आप क्लीन कर रहे हैं, जैसे कि नया डाल रहे हैं या क्लीन करवा रहे हैं, तो इसको WD-40 हो या टोटल बॉडी क्लीनर हो उससे आप इसको वॉश कर सकते हैं। जैसे कि इसको खोलने की जरूरत नहीं है, उससे WD-40 मारेंगे तो ये क्लीन हो जाता है, जैसे कि उससे बहुत अच्छा साफ होता है, क्योंकि हम करके देखते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं ये जो है फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं इसको, जैसे कि आप इसका जो सिस्टम है जैसे कि ये भी क्लीन होता है। इसको भी खोल के क्लीन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको क्लीन नहीं करेंगे तो जो हमारा गाड़ी रहता है वो झटका मारता है, पिकअप बराबर नहीं लेता है, जैसे कि मिसिंग का प्रॉब्लम आता है। तो इसको जब भी आप सर्विसिंग कर रहे हैं या कुछ भी मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको खोल के क्लीन करें, क्योंकि ये क्लीन जब हो रहेगा तो पेट्रोल जो है हमारा बराबर मिलेगा और जो हमारा गाड़ी है एकदम स्मूथ चलेगा। तो चलिए अभी जो इंजन है इसको ओपन कर लेते हैं, जैसे कि पूरा खोलते हैं, इसमें जो फोल्ड रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो में आपको काफ़ी जानकारी दिया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बाइक का या मैकेनिक हैं तो आप पहली बार बाइक खोल रहे हैं अपडेट का, तो आपको इसमें बहुत जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। तो जैसे गाइस देख सकते हैं, जैसे कि ये जो हेड का कवर है हम ओपन किए, तो जैसे देख सकते हैं ये लग रहा है कितने दिन से सूखा चल रहा था, और इसका जो टैपिट का आवाज़ है वो भी सुन सकते हैं, जैसे कि देखिए देखिए ये जैसे लग रहा है रोकर जो है वो कट चुका है या इसका बैरिंग डैमेज हो चुका है। तो और इसका जो ऑयल है देख सकते हैं कैसे जमा हुआ है, देख सकते हैं ये फिंगर पे हमारे है तो देख सकते हैं। तो जैसे कि जब गाड़ी धुआं मारता है तो ऑयल का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है यार, समय से इंजन का जो काम है वो करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय से इंजन का काम नहीं होएगा तो जो हमारा गाड़ी है ऐसे ही सीज हो सकता है। तो ऑयल का ध्यान दीजिए और इंजन जो है आपका सक्सेसफुल रहेगा, नहीं तो आपका जो इंजन है ऐसे ही खराब हो सकता है। तो चलिए अभी जो है इसका पूरा हेड ब्लॉक खोल के दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक पिस्टन ओपन हो चुका है और इसका जो पिस्टन है देख सकते हैं ये कितना खराब हो चुका है, जैसे कि ये जो ऑयल नहीं था तो इसके वजह से पूरा सीज मार दिया है, देख सकते हैं ये जो है इसमें वर्क नहीं कर रहा है, जैसे पिस्टन जो है एकदम बहुत जाम चल रहा है, तो देख सकते हैं ऐसा। तो बगैर ऑयल का जब गाड़ी आप चलाते हैं तो जो इंजन में आवाज़ क्रिएट होता है, जैसे कि साउंड आने लगता है, तो आप ध्यान नहीं देते हैं उसे, चलाते रहते हैं तो न टाइम से सर्विस कराते हैं न ऑयल चेक करते हैं, उसकी वजह से जो पिस्टन रहता है वो खराब हो गया। ये खराब क्यों होता है पिस्टन, जैसे कि हम गाड़ी चलाते रहते हैं, गाड़ी सर्विस नहीं कराते हैं, कार्बोरेटर फ्यूल पंप इसका साफ नहीं कराते, जैसे कि जो टोटल बॉडी होता है उसको क्लीन नहीं करते हैं, ना फिल्टर साफ करते हैं, तो उसमें जो धूल मिट्टी रहता है वो सीधा आके जैसे कि ये वाल पे बैठता है, जैसे कि देख सकते हैं
ये जो वाल है इस पे आके बैठता है, धीरे धीरे वाल कटने लगता है, तो उसके बाद जो पिस्टन है वो गर्दा पूरा पिस्टन पे आने लगता है और पिस्टन सीज मारने लगता है। तो इसके साथ साथ देख सकते हैं जो क्रैंक है इसमें भी प्ले आ चुका है, देख सकते हैं, देखिए। तो अभी हमें जो पिस्टन डाल देंगे तो सिर्फ जो हमारा इंजन का आवाज है वो कम होएगा, लेकिन पूरी तरह से कम नहीं होगा, और फिर पिस्टन जो है खराब हो जाएगा, जैसे कि फिर सीज मार देगा। तो उसके लिए हमको ये फुल इंजन ओपन करना पड़ेगा, जो क्रैंक का है का राड है वो राड चेंज करना पड़ेगा, क्रैंक का वायरिंग है क्रैंक का वायरिंग चेंज करना पड़ेगा, इसका क्लच प्लेट असेंबली है क्लच प्लेट असेंबली चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे कि लाइट मशीन पे जाते हैं, देखते हैं इसमें 25 नंबर का पिस्टन लगाएंगे और देख सकते हैं कि कितना सीज मारा हुआ है, देख सकते हैं खड्डा हो गया है पूरा। तो अभी लाइट मशीन पे जाएंगे तो इसको जो 25 mm का पिस्टन है उसको लगवाएंगे, और इसका जो पैकिंग सेट है पूरा, और आईसील किट तो लीकेज नहीं है, आईसील किट चल जाएगा। तो इसका जो पैकिंग सेट है, फिर इंजन ऑयल है, फिर टाइमिंग चेन किट है, क्लच प्लेट सेट है, ये सब डालना पड़ेगा। तो चलिए गाइस फटाफट इसको भी खोल लेते हैं, जैसे कि क्लच प्लेट है उसको भी खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि जो क्लच प्लेट है ओपन हो चुका है, और इसका जो इंजन का चेंबर है देख सकते हैं कितना काला है। और जब भी आप इंजन खोल रहे हैं तो इसका जो टाइमिंग है टाइमिंग का ध्यान दीजिए, जैसे कि देख सकते हैं इधर एक बूंदी बना है, एक बूंदी इधर बना है, जैसे कि देख सकते हैं ये इसके सीधा पर रहेगा तभी आपका जो टाइमिंग है बराबर रहेगा, और इंजन का जो स्टार्टिंग है अच्छा आएगा और इंजन आवाज़ नहीं करेगा। इतना ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और उसके बाद देख सकते हैं जैसे कि अभी इसका जो लॉक है इसको निकालेंगे, फिर जो इसके अंदर एक पुल्ली लगा है ये बाहर आएगा, और जब आप फिर इसको खोलेंगे और एक स्प्रिंग लगा है इधर इसको निकालेंगे। तो देख सकते हैं जैसे कि इसका क्लच प्लेट आपको दिखा देते हैं, देखिए एक क्लच प्लेट है कितना एकदम पूरा, जैसे कुछ बोल नहीं सकते, आप देख ही सकते हैं और समझ सकते हैं कैसा गाड़ी चला हुआ है और कैसे कटा है। देख सकते हैं जो प्रेशर प्लेट है लोखन भी कट चुका है, और जो क्लच प्लेट गया है सो गया है। तो ऑयल का ध्यान दीजिए, जैसे कि हर वीडियो में बोलता हूँ ऑयल का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो इसका हाफ सेंटर है वो भी पूरा घिस चुका है। उसके बाद जो ऑयल जाली होता है या ऑयल जाली है इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो इसका चेंबर है पूरा अच्छे से क्लीन होएगा, और उसके बाद इंजन तभी फिटिंग होएगा, नहीं तो उसके पहले जैसे कि सॉरी। तो गाइस इतना देख चुके, अभी हम जाएंगे इसको, जैसे कि अब इसका जो मेन चेंबर है उसको खोल लेंगे और क्रैंक जो है बाहर आ जाएगा, और लाइट मशीन पे ले जाके लाइट लेथ मशीन पे उसको जो पूरा काम है इसको कराएंगे, फिर लाके फिटिंग करेंगे। तो गाइस चलिए इसको भी जो क्रैंक है इसको भी फटाफट निकाल लेते हैं, तो देख सकते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसे कि ये जो पूरा क्रैंक है और क्रैंक के संबंध है, तो देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं इसको क्रैंक बोलते हैं। तो ये जो वायरिंग है तो इसको लाइट मशीन पे जाके चेंज करेंगे, या सही रहेगा तो इसी को लगाएंगे, नहीं तो चेंज कर देंगे। ये जो वायरिंग रहता है एक इस साइड और एक इस साइड, तो देख सकते हैं इधर का निकल गया है, इधर का है, इसे लाइट मशीन पे जाके निकालना पड़ता है इसको, ये जब बाहर आएगा तब ये वायरिंग निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जैसे कि इसका जो पूरा जो आपको दिखाया जो पूरा क्लच प्लेट है वो खुलकर निकल गया है। अब ये जो गियर है देख सकते हैं, ये जो गियर है खाली दो ही गियर निकलेगा, तीन गियर, जैसा कि एक ही निकलेगा, और ये पुल्ली है इसमें, फिर इसके नीचे एक वाशर है, जैसे NS-19 का रहता है वैसा ही रहेगा 220 जैसा, देख सकते हैं ये अलग हो गया। तो इसको फिटिंग करते समय आपको दिखाएंगे कैसे इसको फिटिंग करना है, कैसे असेंबली इसको करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो फिर इसके बाद जो क्लच हाउसिंग है उसको भी दिखा देते हैं आपको कैसे कटा है। तो देख सकते हैं इसको क्लच हाउसिंग बोलते हैं, जो इसमें प्ले नहीं रहना चाहिए, तो इसमें प्ले है तो इसको सही करवाएंगे लाइट मशीन पे, देख सकते हैं ये जो है प्ले, ये प्ले नहीं रहना चाहिए, प्ले रहेगा तो जो क्लच प्लेट है बार बार ख़राब होता है और लोडिंग लेता है गाड़ी और आवाज़ मारता है, तो इसको सही करेंगे। और जैसे कि ये जो गियर नाल का पिन है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें सब में स्प्रिंग लगा हुआ है, जैसे कि इसको चारों साइड स्प्रिंग लगा हुआ है, देख सकते हैं ये स्प्रिंग घूम जाएगा तो मिलना मुश्किल है, जल्दी में मिलेगा नहीं तो आपको बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो इसको जैसे कि देख सकते हैं
इसको निकाल कर आप मैग्नेट में चपका सकते हैं, या नहीं तो इसमें लगा के ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन इसको छुए ना, नहीं तो हेरा जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा मिलना, क्योंकि जो स्प्रिंग है थोड़ा अलग है, देख सकते हैं। अब बिल्कुल आसान तरीका से फिटिंग होएगा, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। इसका जो एफजेड वर्जन 2 है, तो इसको जैसे कि इसमें मैग्नेट है, इसमें चपका लेते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे रख के जो चारों स्प्रिंग चपका लिए। अभी जो इसका हेड है उसको खोल लेते हैं, जैसे कि वाल है उसको बाहर निकालते हैं, फिर लाइट मशीन पे जाके इसका जो काम है उसको करवा कर लेते हैं। तो भाई जैसे देख सकते हैं हम लाइट मशीन पे आ चुके हैं, और जो बैनर है देख सकते हैं केबियन, इस पर रिक्शे का, बाइक का, मैकविल सीधा सब चीज़ होता है। तो देख सकते हैं हमारे मुजीब भाई हैं जो अभी क्रैंक का चेक कर रहे हैं, पिस्टन चेक कर रहे हैं, और उसके बाद हेड चेक करेंगे, जैसे कि उसका दोनों सीट गया एक नहीं, दोनों सीट चेक होएगा, फिर उसके बाद जो क्रैंक है वो रिपेयरिंग होएगा या देखते हैं क्या बताते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि ये जो क्रैंक है, सबसे पहले इसका जो पिस्टन जाम हुआ है वो निकालेंगे। तो देख सकते हैं अभी ये पिस्टन निकालेंगे, तो इसके बाद जो क्रैंक रॉड है वो चेकअप होएगा। चेकअप होने के बाद क्रैंक और इसका जो बैरिंग है वो चेकअप होएगा। तो जो अभी पिस्टन निकाल रहे हैं तो देख सकते हैं कितना जाम है, जैसे कि हथौड़ी से ठोक के निकालना पड़ रहा है। ये जो पिस्टन पिन है हाथ से निकल जाता है, जैसे कि टेस्टर डालेंगे तो ऐसे फटाक से निकल जाएगा, ये एकदम फ्री रहना चाहिए। और जब इसमें जाम रहेगा तो वही पिस्टन कटने लगता है, क्योंकि इसके वजह से जो हमारा पिस्टन रहता है वो कट जाता है, जो क्रैंक में फंसा है वो जो पिस्टन कट जाएगा। तो देख सकते हैं जो पिस्टन है निकल चुका है, अभी क्रैंक रॉड जो है, अभी देखिए ये मेरे हाथ में पिस्टन है, जो देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है, और पिस्टन जो है एकदम जाम हो चुका है। तो गाइस ऐसे तो जो देख सकते हैं ये जो मशीन है इस पर लगा के जो क्रैंक रॉड है वो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा कार्यक्रम है क्रैंक का वो चालू होगा। जैसे कि देख सकते हैं अभी उस पर फिटिंग नहीं हुआ, इसको जैसे इसको ऐसे निकालेंगे और क्रैंक रॉड जो है फिटिंग होएगा। तो देख सकते हैं ये काफ़ी जाम रहता है इसमें, अभी इसका जो ओवर साइज है बैरिंग वो पड़ेगा। तो देख सकते हैं जैसे कि देखिए क्रैंक जो है खुल के रेडी हो चुका है, अभी इसका जो रॉड है वो फिटिंग होएगा। जैसे कि देख सकते हैं अभी इसमें चेकअप हो रहा है, जैसे कि अब फिटिंग होएगा। देखिए ये जो है बैरिंग नया है और क्रैंक रॉड भी नया है, तो ये एकदम जो है लाइन लेवल मिला के लगाना पड़ता है, नहीं तो जो क्रैंक है वो आवाज़ आएगा और बराबर चलेगा नहीं, पिस्टन कट जाएगा। तो इसको एकदम जो MM रहता है उससे नाप कर ही लगेगा, ऐसे लगाएंगे तो बराबर नहीं फिटिंग होगा। जैसे कि देख सकते हैं इसको मिलाना पड़ता है, देखिए अभी ये स्केल है तो उससे मिलाते हैं, अभी देखिए स्केल से इसको मिलाएंगे साइज। तो हमारे जो मुजीब भाई हैं काफ़ी अच्छा फिटिंग करते हैं, इसके वजह से जितना भी हमारा इंजन का काम होता है सब इन्हीं के पास जाता है, और दूसरे के पास हम देते नहीं हैं। इसके वजह से जो शुरू से हम इन्हीं को दे रहे हैं, जैसे कि जो इंजन का लाइट मशीन का काम है यही करते हैं हमारे गाड़ी का इंजन का। देख सकते हैं अभी मिला के, और देख सकते हैं जो क्लच हाउसिंग जैसे दिखाए थे आपको, इसका जो रबड़ कट गया था अभी वो रबड़ नया लग रहा है, इसके बाद जो है फिटिंग हो जाएगा। और जो ये हेड है, जैसे कि इसका दोनों सीट खराब हो चुका था तो इसका जो दोनों सीट है वो भी लगवाए। तो अभी देख सकते हैं अभी दोनों सीट दिखा रहे हैं आपको, तो इस वीडियो में आपको सीट भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए अभी निकाल रहे हैं दोनों सीट, अभी इसका जो दोनों वाल गाइड है वो लगेगा। तो ये जो वाल गाइड था, जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा फट गया था, जैसे कि वो हो गया था, तो इसमें कंप्रेसर नहीं बना रहा था। जब कंप्रेसर नहीं बनाएगा तो क्या होता है, हमारा जो वाल लीक होने लगता है और पेट्रोल ज़्यादा खींचने लगता है। देख सकते हैं ये दोनों वाल गाइड है, इसको वाल गाइड बोलते हैं, ये दोनों देखो वाल है और वाल गाइड है, तो ये दोनों उसमें लग के फिटिंग होएगा। तो चलिए अभी इसको फटाफट फिटिंग करवा लेंगे, और जब अभी वाल लिपिंग होएगा, जैसे कि देख सकते हैं ये वाल लिपिंग हो रहा है, इसके बाद जो है हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और गैरेज पे इसका पूरा अच्छे से धुलाई होएगा, धुलाई होने के बाद फिटिंग होएगा। तो ये हेड का जो है एकदम अच्छे से लिपिंग करता है, जैसे कि हमारे को बहुत पसंद आता है, जैसे कि यहाँ पे जो वाल लिपिंग होता है
काफ़ी बेहतरीन होता है, क्योंकि जब भी हम वॉल लिपिंग कराते हैं लीकेज नहीं होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से फिटिंग होता है वॉल लिपिंग जो होता है। तो चलिए गाइस वीडियो